हेलो चिल्ड्रन, अभी कुछ दिन पहले ना हम अपने बच्चों को जू लेकर के गए थे, कुछ महीनों पहले। तो वहाँ जू में जो हमने देखा, वहाँ पे जो और टीचर्स थे वो बता रहे थे अपने बच्चों को राइनो और हिप्पो। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब पूरा नाम उसका होता है, इतना बड़ा सा उसका नाम होता है, तो क्यों उनको सिर्फ छोटा बताया जाता है? छोटा इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद कहीं मैं कोई गलती ना कर लूँ, इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म ढूंढते हैं। वेयर एज राइनो इज, यू नो व्हाट, राइनोसरस। ओके, इट इज नॉट राइनोसेरस, इट इज राइनोसरस। एंड व्हाट इज हिप्पो? हिप्पो इज हिप्पोपोटामस। इफ यू डिवाइड इट, इसको दो भाग में डिवाइड कर लीजिए, हिप्पो Hippopotamus becomes very easy for all of us. And there are a lot of other animals, I'll tell you today, where children generally refrain from. हम generally उसको बोलने से कतराते हैं, इसीलिए उसका नाम ही नहीं लेते हैं। Okay, shall we? I'll show you many other animals today. खाते समय कहते हैं, सी दिस इज राइनो, सी दिस इज हिप्पो। तो हमने सोचा कि शायद जब हमें डाउट होता है कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो हम उसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि बहुत आसानी से आप भी सीख सकते हैं कि इसे क्या कहते हैं। ठीक है, RHINO। ओके, इट्स राइनो, बट हाउ कैन यू से द फुल नेम ऑफ द एनिमल? इट इज राइनोसरस, इट इज राइनोसरस। स्पीक विथ मी, राइनोसरस। HIPPO इज हिप्पोपोटामस। नाउ से इट फास्ट, हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस। इट इज नॉट हिप्पोपोटामस। ठीक है, इसे हिप्पोपोटामस नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं हिप्पोपोटामस। एंड राइनोसरस, राइनोसरस। नाउ से इट फास्ट, राइनोसरस। एक आंटी अपने ग्रैंड सन से कहती हैं, बेटा बेटा देखो देखो लकड़बग्घा। डू नो व्हाट इज लकड़बग्घा? इट्स HYENA, इट्स हाइना, इट्स नॉट हाइना। ओके, लकड़बग्घा इज इन हिंदी एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट हाइना। देन देखने में एक जैसे पानी में रहने वाले, गेस करो क्या कहते हैं? दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ए फॉर इट्स एलिगेटर, इट इज एलिगेटर। एंड सी फॉर क्रोकोडाइल, इट्स नॉट क्रोकोडाइल, इट इज क्रोकोडाइल। एलिगेटर और क्रोकोडाइल में जानते हैं आप फर्क क्या होता है? एलिगेटर हैज अ यू शेप्ड स्नाउट एंड अ क्रोकोडाइल हैज वी शेप्ड पॉइंटेड फ्रंट एंड। ओके, याद रखिएगा। नाउ एक बच्चा अपनी मैम से बोला, मैम मैम सी बियर हो। और दूसरे बच्चे ने कहा, मैम मैम सी बफेलो। सो चिल्ड्रन, BEAR इज भालू। ओके, सो भालू इज इन इंग्लिश नॉट Not bear, it is bear, it is bear. Okay, and BEER is something else. Okay, that I'll tell you sometime later. And BUFFALO in Hindi is bhas. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? Buffalo, it's buffalo, not buffalo or buffalo, it is बफलो। एक स्पेलिंग है, देखिए दोनों एक जैसी लगती हैं, DONKEY, इट इज डोंकी, नॉट डंकी। बट सेम स्पेलिंग, MONKEY इज नॉट मोंकी, इट इज मंकी। ऑलराइट चिल्ड्रन, बहुत सारे लोग इस एनिमल का नाम तरह तरह से बुलाते हैं, JACKAL। अच्छा, JACK क्या होता है? जैक। ओके, सो JACKAL इज जैकल, इट्स जैकल, नॉट जकाल। फाइन, आई होप यू विल रिमेंबर दिस। देन द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया
एंड ऑल्सो द एनिमल दैट कैरीज इट्स बेबी इन इट्स पाउच डू यू नो वॉट इट इज आई टेल यू द स्पेलिंग ओके गेस के ए एन जी ए आर डबल ओ इट्स kangaroo it's not kangaroo okay next time when you say it kangaroo it's not kangaroo ek teacher ne tabhi zor se awaaz lagayi zoo mein aur bachcho se kaha children see lion now what is the spelling l I o n so l I o n is not lion it is lion उन्हीं की फैमिली का एक और सदस्य है जिसका नाम है एल ई ओ पी ए आर डी इट इज लेपर्ड इट्स नॉट लियोपार्ड सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू से दीज एनिमल्स से इट करेक्टली अ वेरी क्यूट लुकिंग मैस्कॉट ऑफ दार्जिलिंग टी व्हाट इज दैट पी ए एन डी ए इट्स पांडा नॉट पंडा और पांडा Okay, it's panda. It's also found in Sikkim, Arunachal Pradesh and Meghalaya in India. Okay, you must have heard this story. Kachua aur khargosh ki kahani. Aapne zarur suni hogi. Kachua in English is T-O-R-T-O-I-S-E. What is it? It's tortoise. Not tortoise. It is simply tortoise. And what is H-A-R-E? It's hare. जब हम zoo से बाहर निकले तो पता है क्या हुआ हमें कुछ black and white colors की line दिखाई दी बिल्कुल वैसी ही lines एक animal की body पर होती है क्या कहते हैं उसे Spelling बताऊँ Okay, उसे कहते हैं zebra. ओके उसे कहते हैं ज़ेब्रा बहुत सारे लोग एंड यू नो इन ब्रिटिश लैंग्वेज इट इज ज़ेब्रा एंड इन अमेरिकन इट इज ज़ेब्रा वो था करेक्ट बट डिपेंड्स विच प्रोनाउंसिएशन नॉट प्रोनाउंसिएशन ऑलराइट इट इज प्रोनाउंसिएशन विच इज बीइंग टॉट टू यू सो नेक्स्ट टाइम बी कॉन्फिडेंट अगली बार जब आप एनिमल्स के नाम लेना तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलिएगा ठीक है आई एम श्योर एंड दिस विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेगा